दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल साइंसी साइंस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैप्टर से। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसकी डिफिनेशंस क्या है, किस पर डिपेंड करता है और ये कितने टाइप्स का होता है। तो दोस्तों देखिए, दोज प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल और आयंस डिसॉल्व इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों यह किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। दोस्तों किस पर नहीं डिपेंड करता है, दोस्तों डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना दोस्तों, नंबर ऑफ पार्टिकल किसके, सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। किस पर नहीं डिपेंड करेगा दोस्तों, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपने देखा दोस्तों कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम पहला डिस्कस करने चल रहे हैं दोस्तों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखते हैं दोस्तों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दोस्तों इसको हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं दोस्तों, इससे प्रीवियस जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें आपको बताया भी था। तो आइए देखते हैं दोस्तों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जब आप नॉन वोलेटाइल मतलब जो ऐसा आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं जो उड़नशील नहीं है, किसमें दोस्तों सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट आप कुछ भी ले सकते हैं। सॉल्वेंट में जैसे आपको बताया था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी दोस्तों होते हैं। तो आइए दोस्तों सॉल्वेंट या द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब जब आप इसमें कुछ मिला देते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है दोस्तों देखिए, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट द प्योर सॉल्वेंट। एक कैसे होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको वहां पर पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये आपको फॉर्मूला बताया था। और यहां पर जो आप ले नंबर ऑफ मोल ऑफ आप जो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाले थे, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट निकाले थे, ये रिलेशन आपको बताया गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। अब देखिए पी नॉट को क्या कहते हैं दोस्तों, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, सॉल्वेंट याद रखना है। यहां पर जो पीएस यूज हुआ है दोस्तों, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यूज हुआ है दोस्तों। एन टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट निकाला है दोस्तों, यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन से भी आपको हमने बताया था दोस्तों कि कैसे निकालते हैं, ये आपको सिखा चुके हैं। तो यहां पर जो N2 और N1 है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने मोल फ्रैक्शन भी आपको सिखाया है दोस्तों, और आपको नंबर ऑफ मोल निकालने भी सिखाया था कि इसका वेट और मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन करके बताया था। आगे और भी बताएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ में हमने आपको ये फार्मूला भी बता दिया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। ठीक है दोस्तों, आपको नंबर ऑफ मोल निकालने सिखा दिया था, कैसे निकालते हैं दोस्तों मोल कंसेप्ट में सिखाया था। अब यहां रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये पूरा होता है दोस्तों। आइए दोस्तों इसमें हम कैसे कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए इफ W2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह फिर आगे लिखा एंड इफ M2 एंड M1 आर देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। जो W2 आपने जो सॉल्यूट लिया है जो डिजॉल्व करें क्या जो W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो वहां जो मास लिया है M2 किसका है W2 का है, M1 किसका है दोस्तों W1 का। ठीक है, तो आपको हम मॉलिक्यूलर जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने सिखाया था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यहां पर हो गया, अगर N2 का निकालेंगे तो यहां, और N1 का लिखा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है दोस्तों, अब ये चीजें जो आपने N2 की है, N2 की वैल्यू यहां पर है यहां रख देंगे, इसी तरह नीचे N1 प्लस N2, तो N1 की वैल्यू यहां पर, N2 की वैल्यू यहां पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं फॉर ए डायल्यूट सोल्यूशन N2 can be neglected in comparison with N1। अब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों
और बता भी दे रहे हैं, जब हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो वहां हम जैसे कहते हैं कि कोई 1 माइक्रॉन है, कोई चीज 1 माइक्रॉन, सपोज दैट 1 माइक्रॉन है, ठीक है, इसको 1 लीटर में अगर हम डिजोल्व कर देते हैं तो ये जो सॉल्यूट है इस 1 लीटर की तुलना में क्या है दोस्तों, बहुत कम है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। इसी तरह यहां पर लिखा है डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद N1, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो आप जो यहां पर आप निग्लेक्ट कर देंगे तो यहां पर छोड़ देते हैं दोस्तों, या कह सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कई के बार देखे दीजिए यहां लिखा डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 कैन बी निग्लेक्टेड, मतलब N1 बहुत क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में दोस्तों N2, तो यहां पर जो N2 रहेगा उसको हम छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आइए यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, फिर केवल वैल्यू आप रख देंगे यहां पर पिनट रहेगा दोस्तों, ठीक, वैल्यू रख देंगे और एक कैसे आगे आता है ये दिखा दे रहे हैं दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं N2 की वैल्यू रख दिया आपने, N1 की वैल्यू ये रख दिया, तो दोस्तों याद रखना ये वाला चीज हम सिखा दे रहे हैं कैसे लिखते हैं। देखिए W2 डिवाइडेड बाई M2 है, फिर है W1 डिवाइडेड बाई M1, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। देखिए दोस्तों आ गया W2 मल्टीप्लाई M1, फिर यहां पर देखिए W1 मल्टीप्लाई M2, ठीक है दोस्तों, ये इस तरह आता है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों यहां पर मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा है और पेपर में अच्छे तरीके से आता भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है। आइए देखते हैं दोस्तों मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपको यहां पर एक फिगर दिखाया गया है दोस्तों, इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसी के बारे में हम देखिए दोस्तों। सबसे पहले हमने पहला यहां पर जो बल्ब लिया है या दूसरा बल्ब लिया है, यहां से हम ड्राई एयर को एंट्री करते हैं, किसमें दोस्तों सोल्यूशन में एंट्री करते हैं। अब यहां पर क्या देखते हैं दोस्तों, सॉल्वेंट दूसरे में लेते हैं, यहां पर एक जैसे साल्ट ब्रिज की तरह हमने एक यहां पर देख रहे हैं ट्यूब से कनेक्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ एयर सेचुरेटेड विद वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं और समझाते हैं, बताते हैं दोस्तों। देखिए प्योर ड्राई एयर इज फर्स्ट पास, मतलब सबसे पहले हम यहां से ड्राई एयर को इसके अंदर एंट्री कराएंगे, किसमें सॉल्यूशन में, बल्ब कंटेनिंग द सॉल्यूशन एंड देन थ्रू बल्ब कंटेनिंग द प्योर सॉल्वेंट। अब इसके बाद इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, किससे, प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों फाइनली थ्रू द ट्यूब कनेक्टिंग एनहाइड्रस CaCl2 इफ सॉल्वेंट यूज वाटर, और आप इसमें सॉल्वेंट यूज वाटर कर रहे हैं तब इसमें जो ट्यूब रहेगी इसमें आप कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन बल्ब, अब जब इसमें से ड्राई एयर इसके अंदर जाएगा तो यह कह रहा है क्या होगा घटना, देखिए लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन बल्ब W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कंपैरिजन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जितना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा उतना ही वेट लॉस करेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा है लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्वेंट लिखा हुआ है बल्ब इसके लिए, तो इसमें आप देख रहे हैं इससे कनेक्ट है दोस्तों, तो इससे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रहेगा ही, इसमें जो आ रहा है उसे माइनस कर देंगे, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसको इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों जो ऊपर और नीचे जो बातें हैं उसको लिख देते हैं फॉर्मूले रूप में, देखिए लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ऐसे लिख दिया, यहां पर दूसरी बात थी इसको भी ऐसे लिख दिया दोस्तों। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप इसको लिखते थे फॉर्मूले में दोस्तों, अब दोस्तों में ये आप इतना तो आप जान गए होंगे कि ए P0 माइनस PS इक्वल टू आपने यहां से उतार दिया W2 के, लेकिन ये P0 ये कैसे इक्वल टू हो गया ये आपको समझाते रहे दोस्तों, थोड़ा सा देखना दोस्तों अच्छी बात है। देखिए दोस्तों यहां पर हम जो W1 प्लस W2 कैसे आया दोस्तों इसको ये समझना है दोस्तों, तो देखिए P0 इक्वल टू, अब यहां से देखिए दोस्तों, देखिए P0 माइनस PS इक्वल टू लिखा है सपोज W2 या इक्वल टू नहीं है बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम P0 देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा W2 प्लस क्या हो जाएगा PS, अब देखिए दोस्तों PS किसके इक्वल टू है W1 के, तो यहां क्या लिख देंगे W1, तो इस तरह देखिए दोस्तों W1 प्लस W2 हो जाता है, ठीक है दोस्तों, इस तरह ये आपने देखा। अब इस चीज को यहां पर लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्वेंट बल्ब नीचे लिखा हुआ टोटल लॉस इन वेट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर एक नोट लिखा हुआ है दोस्तों, ये किसका प्रोसीजर है कैसे है इसके बारे में बताने चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए दिस मेथड इज कॉल्ड ओसवाल्ड वॉकर डायनेमिक मेथड या इसी को ट्रांसपिरेशन मेथड कहते हैं, इस जो आप इसको देख रहे हैं दोस्तों
इस तरह हमने आपको दोस्तों आज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बताने की कोशिश की। अगर दोस्तों इसमें कोई पॉइंट ऐसा भी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या कोई टॉपिक के बारे में, आप अपना कमेंट और चैनल को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।